सभी क्वेश्चन टू का पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन टू पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट क्या स्टेटमेंट गिवन है देखो, 7 10 इंटीजर 1/2 14 and so on 84। कहा है कि फाइंड द सम, सम फाइंड करना है तो सॉल्यूशन में ये बताओ ए कितना हो गया, 7, डिफरेंस यस सर, कितना हो जाएगा, थर्टी 1/2 -7 हुआ क्या, -14 सेवन बाई टेन बाय टू। यस सर, और ए एन कितना है, 84। 84। टी एन वाला फॉर्मूला पता है, ए प्लस यस सर, -1 × d, ए एन आपके पास गिवन है 84। 84। क्या आपने ऐसे ही सॉल्व किया था, तो प्लस का पहले सेवन वाला समय है कह रहे हो गर्म, सर समझ नहीं आया था सर, इसलिए पूछ रहा करवा हूँ। आप कर सकते हो क्या आगे या करवाऊं कंटिन्यू, सर एन निकाल लेना सर इसमें, अब इसमें देखो गर्व आ एन जाएगा 77 × 2/7 11 22 हो गया, 23 आ गया सर। एन कितना आ गया 23। और यस सर, अब आपको एस एन निकालना है, एस एन निकाल सकते हो, यस सर, एस एन का क्या फॉर्मूला होएगा कर बताना, n/2 ब्रैकेट a+n an एन कर दो। प्लस यस सर। ठीक है भाई, क्वेश्चन टू का पार्ट टू, हर्षित मित्तल। यस थर्टी फोर 32 30 and so on 10, बताओ हर्षित मित्तल क्या गिवन है, सर, A34। ए कितना है 34, डिफरेंस डिफरेंस -2। 32 - 34 -2, यस सर, एन कितना है 10। 10। तो आप एन वाले फॉर्मूला से निकाल लो, निकल सर एन तो निकल दे, लास्ट में थोड़ी सी है ना वो एस एन वाले फॉर्मूला में थोड़ी दिक्कत होती है, हो नहीं रहा उसमें। ओके चलो हम कर लेते हैं, n-1 × -2, एन सही है या गलत है आपका, -24 सर एन, yes. सर एन तो मेरा 11 आया था, एन थर्टीन माइनस आएगा सर। -24 - -2 12 आ गया, एन माइनस वन, एन तो 13 आ रहा है हर्षित मित्तल, सर यही मिस्टेक होगी फिर सर, हो जाएगा अब। हो जाएगा। यस सर, ठीक है भाई, पार्ट थ्री, बल आपका डाउट है, यस क्वेश्चन थ्री का पार्ट थ्री, स्टेटमेंट है हमारे पास -8 -11 -2 30, बताओ मुमल ए कितना है, -5 5 डिफरेंस कितना है मुमल, सेकंड टर्म -8 + 5 कितना आ गया डिफरेंस, किसका माइक ऑन है भाई, चलो नमन बंद सर, अर्शिद मित्तल का है। हाँ थ्री, उसके बाद एन कितना गिवन है भूमल, -230 सर, अब निकाल दोगे आगे, सर डिफरेंस नहीं आ रहा था क्या समझ में,
मतलब एस एन वाले फॉर्मूले में सब दिक्कत हो रही थी थोड़ी। चलो हम करते हैं फिर उसको, आप दिक्कत बताओ प्रॉपर कहाँ है ताकि हम उस चीज को रिमूव कर सके ना, तभी फायदा होगा। -230 + 5 n-1 × -3 n चेक करना क्या ये सही आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। n-1 × -3 - 2 to 5 / -3 3 से कट करो इसको 75 n-1 n कितना आ जाएगा 76। यस सर यही आ रहा था क्या? यस सर n तो सही है। सही है, Sn का फॉर्मूला बताओ। क्या होता है सर? n/2 a + an n कितना आ गया 76/2 a कितना हो जाएगा बताओ -5 an - 230 कितना हो गया ये? इसको 3 से कट करते हैं 2 से। यस सर 38 into -235 कितना आएगा? प्रोडक्ट करो इसकी 3 8 9 3 0 माइनस का 8 9 3 0 yes sir the answer ho gaya mumal aa gaya sir aa gaya theek hai question 3 ka question 3 mein fourth doubt hai hamare paas kiske student ka hai fourth sir mera ek to third ka fourth theek hai sir ye kar sir mera bhi doubt theek hai sir sir mera bhi doubt fourth fifth sir third question mein bilkul simple hi karna ho jaise aa re question mein kar rahe hain वैल्यू पुट करके सकती। क्या कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन में? तो जैसे वैल्यू पुट करनी है ना सबकी, n की, an की और a की, बस यही करना होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन माइक म्यूट करें प्लीज। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे a3 का मतलब क्या होता है ईशान? a+2d = 15 बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये n की वैल्यू 10 है क्या? यस सर यस सर n की वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + a + an n-1 कंप्लीट वाला लगा तो s 10 10 गिवन है ना यहाँ पे। यस सर m को 10 रिप्लेस करो कितना आएगा? 10/2 2a + 9d यस सर माने 125 ये 5 हो जाएगा 5 यस सर 2a + 9d मल्टीप्लाई में m आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा यस सर 25 90 तो क्या स्टेटमेंट आ गई 2a + 9d = 25 यस सर तो इन दो स्टेटमेंट को लिखो फर्स्ट ये थी सेकंड ये क्या एलिमिनेशन लगा सकते हैं यस सर तो देखो फर्स्ट ये है सेकंड ये है 2a + 9d sorry 15 है ना 25 है। क्या फर्स्ट स्टेटमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करने पे एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। तो इसको 2 तो ये 30 हो जाएगा ना यहाँ पे कितना? यस सर 30 देन इनको सबट्रैक्ट कर दें yes. ये कैंसिल आउट कितना आया -5d = 5 -4 -1 तो फर्स्ट स्टेटमेंट में रिप्लेस करो ये आ जाएगा यस सर 2 × -1 = 15 13 a = 15 + 2 17
17. तो देखो हमने डी निकाल दिया, ए एन निकाल सकते हो? यस सर. ए एन क्या हो जाएगा? ए प्लस माइनस वन डी. ए है हमारे, ये माइक म्यूट करो प्लीज. ए हमारे पास है 17, एन माइनस वन इंटू डी. ए एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और एन भी हमें गिवन है. क्या एन गिवन है हमें स्टेटमेंट में भी? यस सर, 10 गिवन है. यस सर. कहाँ गिवन है एन? 10 फाइंड टेन करना है ना स्टेटमेंट में. देखो यस सर, A10 करना है. A10 करना है. A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A प्लस 90 कर दोगे? यस सर, कर लेंगे. आगे तो 17 माइनस 9 8 आ गया भाई. क्वेश्चन 5 आप बोलो. चलो ऊपर करो फिर से वही क्वेश्चन लाओ. ये लो सर, इसमें आपने ये लिखा है S 10 equals to 10 by 2 into 2n plus 90. ये क्यों लिखा है सर 2n plus 90? यहाँ पे देखो वैभव, n कितना है अपने पास? 10. यस सर. 10 minus 1 9. यस सर. 90 हो गया ना ये. इसका फॉर्मूला है ये S n का? हाँ, ये वाला फॉर्मूला है S n का, ऊपर वाला. ओके सर, ये आपको लर्न करना है वैभव. ओके सर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी. 5 किसका डाउट है सर? 5 बता दो सर. मेरा ठीक है. देखो डिफरेंस कितना गिवन है 5 में? 5. एस 9 कितना गिवन है? 75. फाइंड करना है आपको ए और ए 9. फाइंड ए एंड ए 9, ये दो चीज फाइंड करनी है. देखो भाई अंशिका, आपने ये एस 9 को किया फॉर्मूला में पुट एस एन वाले में, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. S9 रिप्लेस करना पड़ेगा n को, तो S9 हो जाएगा 9 by 2 2a plus 8d हो जाएगा. S9 की कितनी वैल्यू गिवन आपको? 75. 2a plus क्या d की वैल्यू भी गिवन है? 5. तो यहाँ पे d की भी रिप्लेस कर दो 5. तो अब 75 into 2 by 9 हो जाएगा ये, अगर लेफ्ट में जाएगा तो. ये कितना हो जाएगा? 2a plus 40. 3 से कट करो इसको, 3 3 जा 9, 25, 50 हो गया ये. 50 is equal to 2a plus 50 by 3 होएगा ना, 2a plus 40. प्लस का 40 उस साइड जाएगा, माइनस माइनस का 40 किसके इक्वल होगा? 2a के. देन आप एलसीएम लो, 3 50 माइनस 120 कितना आ गया? 2a माइनस 70 बाय 3 इक्वल टू 2a. तो a कितना आ जाएगा भाई? माइनस 70 बाय 6 कट कर दो इसको, माइनस 35 बाय 3 आएगा अंशिका. ओके सर. इसमें कोई डाउट? ए 9 कैसे निकालोगे? ए प्लस नो सर. ए 9 ए प्लस 8d. ए कितना गिवन है अपने को? माइनस 35 बाय 3 प्लस 8 इनटू डी. माइनस 35 बाय 3 प्लस 40 एलसीएम लिया कितना आया? 3 माइनस 35 प्लस 120. समझ गए भाई सभी को? बोलो सर. आ गया सर. आ गया सर. आ गया समझ.
ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 किसका डाउट है सर? बता दो सर, ये नहीं हुआ था मेरा। इस पूरी क्लास में दो ही स्टूडेंट है, गर्व और ईशान और रंशिका, ये तीन चार ही है, बाकी सारे सोए हुए हैं। उनको पता नहीं है कि उनके डाउट्स क्या है, नहीं है तो हम पूछ लेते हैं फिर उनसे ही। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कौन करेगा। ए कितना है? 2। डिफरेंस 8 है। एस एन कितना गिवन है? 90। फाइंड एन एंड ए एन एंड ए एन। तो एस एन का क्या फॉर्मूला होता है भाई ईशान? एन बाय 2 टू ए प्लस ए प्लस ए n माइनस वन ऑफ डी कितना? 90। तो ए ओ डी गिवन है हमें, पुट कर दो इसमें, ये 4 हो जाएगा। 4 प्लस n माइनस वन ऑफ 8 90। n बाय 2, n बाय 2, बाय 2 वहां चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या? इनटू में, यस सर। ये इज इक्वल टू 180। 180, यस सर। एन प्लस 4 माइनस 8 माइनस 4 प्लस 8 है माइनस प्लस 180। अब अंदर मल्टीप्लाई आएगा, माइनस 4 एन स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 एन 4 एन प्लस 8 एन स्क्वायर 4n plus 8n square 180 के। तो इसको अरेंज करो क्वाड्रेटिक फॉर्म में, 8n square minus 4n minus 180 equal to 0। बोलो भाई यहाँ तक? यस सर। तो हम ऐड कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, स्टेटमेंट छोटी हो जाएगी। 2n square minus 10 minus 45 equal to 0। Splitting the middle term करो भाई। Sum करें तो minus 1 आए और product करें तो 90 आए minus का। इन दोनों की product होती है ना? तो sir 10 into 9 minus 10 10 into 9 yes sir। तो इसमें लगाओ 2n square minus 10n plus 9n। क्या common आ रहा है यहाँ से? 2n 2n n minus 5, 9 common आ रहा है, कितना आएगा? n minus 5 minus 5, तो n minus 5 आ गया एक, तो और एक आ गया 2n plus 9। तो यहाँ से n is equal to कितना आ जाएगा? 5। yes yes sir। 2n plus 9 equal to 0 है, तो 2n कितना आएगा? minus 9। n कितना हो जाएगा? 9 by 2। तो n नेगेटिव में और फ्रैक्शन में तो नहीं होगा, तो इसका मतलब n कितना होगा? 5। यस सर। ठीक है, तो हमें देखो क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था। फाइंड सर an करना है। अब an करना है, n हमारा 5 आ चुका, तो an का फॉर्मूला क्या होएगा? अगर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 बाय d 1 into d। a given है, n भी given है, difference भी given है, answer आ जाएगा। थर्टी 34 आ गया भाई। a n बताओ भाई, आया समझ में? सर जो आपने 8 n square में 4 वाला step नहीं किया by में 4, हाँ सर वो वाला करना जरूरी है या फिर ना अगर ना करे तो सही है? ना करे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ना ये होता है एक्चुअली ना, इतना बड़ा नंबर सोचना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है, दिक्कत होती है। ओके सर, हम स्टेटमेंट को मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 7 किसका डाउट है सर? मेरा है।
सेवन आपका ऑप्शन नंबर सेवन हम मेरा भी है ए टू है डिफरेंस एट है यही है ना फिर एट एट ए एट है जी सेवन ए एट है सर ए एट ए एन सिक्सटी टू एस एन टू वन जीरो ए एट है यस सर ए एट है ए एन सिक्सटी टू है ए एन सिक्सटी टू देखो हमारे पास तीन फॉर्मूला होते हैं ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एस एन का क्या होता है एन बाय टू ए प्लस ए एन एक एस एन का और क्या होता है n by 2 n by 2 2 a plus n minus 1 n minus 1 of d ठीक है आप इसके अंदर से ये देखो कि क्वेश्चन के बेस पे कौन सा सही फिट हो रहा है an sn और a गिवन है क्या सेकंड वाले में सही हो रहा है यस सर यस सर तो हम सेकंड वाला अप्लाई करते हैं डायरेक्ट sn इज इक्वल टू n by 2 a plus an sn कितना गिवन है 210 n कितना गिवन है हमें फाइंड करना है a कितना है 8 sn कितना है 60 तो n by 2 into 70 कितना आ जाएगा यहां से काटोगे तो 35 यस सर n कितना आ गया 210 by 35 कितना हो गया 6 तो n की वैल्यू 6 आ चुकी है क्या डिफरेंस हम निकाल सकते हैं an वाले फॉर्मूला से यस सर n भी गिवन है हमें तो 6 माइनस 1 5 डी हो जाएगा है ना n 6 है तो a कितना आया था 8 गिवन है डिफरेंस कितना है डिफरेंस नहीं है हमारे पास हमें डिफरेंस ही कैलकुलेट करना है ना सर वो 62 आएगा एन की जगह वो ए 6 की जगह कितना आएगा 62 यस सर प्लस का ही रिसेट जाएगा माइनस का हो जाएगा कितना आएगा भाई 54 बाय 5 बोलो भी आया समझ में यस सर ठीक है आ गया सर नेक्स्ट है पार्ट यस सर आ गया देखो 8 किसका डाउट है भाई क्वेश्चन नंबर सर बता दो सर मेरा डाउट है यस सर मेरा भी है मेरा भी है यस सर 8 एन 4 है डिफरेंस 2 है एस एन माइनस 14 है फाइंड एन एंड ए करना है तो देखो अब हमारे पास ए एन का क्या अब हमारे पास तीन फॉर्मूला होते थे फर्स्ट वन क्या होता था ए एन इज इक्वल टू दिस एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस ए एन एस एन का एक और होता था एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन तो यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा देखो हम फर्स्ट यूज करते हैं तो दो ही चीज गिवन है ए एन और डी यस सर इसका मतलब नहीं हो सकता सेकंड हम यूज करते हैं sn गिवन है सेकंड में और an गिवन है इसमें भी दो वेरिएबल पेंडिंग रहते हैं a और n यस सर उसे नेक्स्ट यूज कर रहे हैं मान लो sn गिवन है और d गिवन है इसमें भी दो वेरिएबल पेंडिंग रह रहे हैं a और n
यस सर यस सर तो इसका मतलब इसमें क्या है, एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। तो आइए हम स्टेटमेंट बनाते हैं। ए एन का क्या फॉर्मूला होता है भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि आपके सिलेबस से एप्लीकेशन हट चुका है तो ये आ सकता है फॉर्मूला। ध्यान से देखना, ए एन का ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यस सर। तो अप्लाई करो इस फॉर्मूला को, ए एन तो यहाँ पे फोर आ जाएगा। ए कितना गिवन है नहीं पता, एन भी नहीं पता और डिफरेंस गिवन है टू। तो ये कितना आ गया, ए प्लस टू एन माइनस टू। यस सर। ए प्लस टू एन कितना आ जाएगा, सिक्स। यस सर। ए इज इक्वल टू सिक्स माइनस टू एन। एक मिनट थोड़ा सही लिख देते हैं, फोर प्लस टू इज इक्वल टू ए प्लस टू एन, सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस टू एन। ठीक है, अब आती है सेकंड स्टेटमेंट पे बात। एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, इसमें हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं सिक्स माइनस टू एन से। यस सर। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू ए प्लस एन। यस सर। एस एन गिवन है माइनस फोर्टीन, एन नहीं पता, बाई टू। क्या ए की वैल्यू सिक्स माइनस टू एन है? यस सर। यस सर। और ए एन गिवन है अपने को प्लस फोर, हो गया माइनस एट इज इक्वल टू एन, टेन माइनस माइनस टू एन। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टेन एन माइनस टू एन स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट। इसको साइड रोटेट कर दो, रिमूव प्लस करो, ये आ जाएगी क्या? यस सर। से डिवाइड कर दो, n square minus 5n minus 14. ये 7 और 2 minus 7n plus. Yes sir. Common n minus 7, 2 common n minus 7. तो एक फैक्टर क्या आ गया, n minus 7, दूसरा आ गया n plus 2. कितना होगा अगर n? सर 2 सर, माइनस नहीं होती सर वैल्यू, माइनस नहीं होती तो 7 होगा एन सर माइनस। यस सर। एन कितना हो जाएगा भाई, 7, क्योंकि नेगेटिव में एन नहीं हो सकता। अगर एन कौन है भाई, ये आ गया माइनस 8। बताओ भाई आया समझ में? यस सर। तो सभी के डाउट हो गए कंप्लीट? यस सर। होमवर्क है, होमवर्क सुनो भाई, एक बार मैं होमवर्क बता रहा हूँ। आज का होमवर्क है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक करने, 5.3 वर्क। ओ सर इतने मत दो सर, थोड़े कम कर दो सर। क्या 10 क्वेश्चन दे दिए सर आपने, ओ ए एन डी ये सभी निकालना है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये होमवर्क है भाई, और ये सारे क्वेश्चन जितना हमने पीछे किया सभी पे बेस है। और क्वेश्चन नंबर 4 सारे अभी सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 4 अभी सॉल्व करें और मुझे आंसर बताएं क्या आएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना क्वेश्चन नंबर 9 मार्क कर लो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 9,
मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चन नंबर फोर भी इम्पोर्टेंट है भाई, ये दो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर फोर सारे अभी सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी नाइन सेवनटीन ट्वेंटी फाइव एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ सिक्स थर्टी सिक्स। करें भाई सारे अभी सॉल्विंग। सर ये 636 का SN है। सर मैंने इसी की भेजी हुई थी आपके पास। हाँ ये वाला क्वेश्चन ना आपको SN गिवन है और A गिवन है डिफरेंट। यस सर। ठीक है आप खुद अप्लाई करो इसमें SN वाला फॉर्मूला, ये वाला, इसमें ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। जो मैंने कल होमवर्क दिया था क्वेश्चन वन टू क्वेश्चन थ्री उसकी मेरे पास पीडीएफ भेजेंगे भाई। पीडीएफ में जो स्टूडेंट है एक अमनदीप भेजेगा, एक हर्षिका, एक वैभव और सर मैंने अभी की नहीं है, मैं दो दिन क्लास नहीं लगाई। ये नहीं आपने सर तो करो इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ओके सर अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही आई है। यस सर यही आई है। करो भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या आप डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये वाला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई टू ए, ये भी पढ़ा है ना रूट्स निकालने का। अगर फैक्टर दिमाग में नहीं आ रहे तो आप ये अप्लाई कर दो। सर मेरी अलग आ रही है इक्वेशन। अलग कैसे आ रही है, एरर कर दिया होगा तूने। देख 636 10 बाई टू 18 प्लस n माइनस 1 इनटू 8 तो 18 प्लस 8 n माइनस 8 n बाई टू तो n बाई टू ये कितना होगा 10 प्लस 8 n 636। ज्वाइन कर लेना भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो जरूर बताना मुझे, 5 मिनट ज्वाइन कर लेना। 5 प्लस 4n 2 से 2 कैंसिल तो 5n प्लस 4n स्क्वायर 636 ये तो आ रही है। अर्षित जिनका आंसर सर मैंने आपको आंसर भेजा है, दो स्टूडेंट का है मेरे पास अंशिका और अमनदीप, आप चाहे ज्वाइन मत करना बाकी सभी आंसर बताएंगे क्या है।
सही है, सही है अंशी का, संदीप का भी सही है। क्या बनेगी स्टेटमेंट 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0? सर सर मैं बताऊं आंसर इसका? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किसने किया है? सर ने किया, मैंने किया है। सिलेक्ट किए थे प्लस 53 कह रहे हो? यस सर। क्या फॉर्म बनाया? 4n माइनस 53 कॉमन एन माइनस 58 आएगा एन माइनस 2 4n प्लस 53 तो n 12 आ रहा है और दूसरे में n कितना आ रहा है भाई? माइनस 53 बाय 4 ये तो नहीं हो सकता, एन कितना? 12 ही आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, आ गए सभी को?